एक तरफ है वो बेंगलुरु बुल्स जो पिछला मुकाबला 9 पॉइंट से जीत कर आई है गुजरात के खिलाफ, और उनके कैप्टन इस समय नंबर एक रेडर भी हैं पवन, ग्रीन आर्म बैंड देख लीजिए, और सामने है टीम इन ग्रीन पटना जो पिछला मैच 10 पॉइंट से हार के आई है। हालिया फॉर्म दोनों टीम्स की एकदम जुदा है, पर ऑन पेपर पवन अगर कमाल है तो पटना का डिफेंस भी धमाल है। बिल्कुल, पिछले मुकाबले में हमने ऑरेंज बैंड देखा सुरजीत के हाथ में, और इस मुकाबले में पवन सहरावत के हाथ में ग्रीन बैंड। बेंगलुरु बुल्स, यहां पर एंकल पे गए और काफी एडवांस था लेकिन कामयाब हो गया। डिफेंस में पटना की दूसरी कामयाबी है। पवन बाहर हैं, रंजीत उंनको ज्वाइन करेंगे। एंकल पे एडवांस टैकल किया था सुनील ने, लेकिन चूंकि शादलू आए इसीलिए टैकल कामयाब हुआ। बुल्स को नियंत्रण करना होगा डिफेंस पर, एक भी पॉइंट उनको अब तक डिफेंस में मिला नहीं है। दो पॉइंट और गवाएंगे, सचिन तंवर कामयाब। मयूर कदम और अमन ये दोनों फेल टैकल्स में लगातार कायम है। पहले हाफ का वक्त समाप्त हो चुका है, 4 पॉइंट्स की लीड है पटना पायरेट्स के पास। भले ही कबड्डी का खेल हो, मैट पर खेला जाता हो, लेकिन चेस बोर्ड से कम नहीं होता। टच करना चाह रहे थे, पहले हाथ लगाने का प्रयास, फिर पैर लगाया, डिफेंस ने काम कर दिया। सौरभ नांदल बहुत ही शानदार तरीके से दोनों पैरों पर गए। दो बड़े कीमती पॉइंट हैं ये बुल्स के लिए, और सौरभ नांदल अकेला ऐसा डिफेंडर है जिसने आज प्रभावित किया है। यहां 6 के डिफेंस में गलती, बंदर को इस तरह से जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इतना एडवांस। पहले हाफ में सुपर 10 पूरा कर लिया था 12 मिनट के अंदर, उसके बाद पवन एक पॉइंट भी नहीं जोड़ पाए। आउट हुए कोई बात नहीं, लेकिन इनके साथ ही इनको रिवाइव नहीं करवा पाए। आज सबसे बड़ी चिंता बुल्स की ये है, और इस बार ऑल आउट फाइनली हुआ। बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन महेंद्र कामयाब। सुपर टैकल, 2 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स, 2 पॉइंट यहां सुपर टैकल के। बेंगलुरु को हराकर अब केवल टॉप पर पहुंच गए पटना पायरेट्स, 38-31 से उन्होंने इस मुकाबले को जीता 7 पॉइंट के फासले से।